सो हे गाइस वेलकम बैक ऑन माय चैनल पैथोलॉजी लेक्चर बाय लेक् गोस्वामी सो गाइस आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर आईन एंड e नेक का पहला टॉपिक इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया था अबाउट दिस चैप्टर ये आई के टॉपिक में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं सो so, आज इस वीडियो के अंदर मैं सबसे पहले टॉपिक की शुरुआत करने वाली हूँ जिसका नाम है कंजेनाइटल लीजन तो हम पढ़ेंगे कि आई में क्या क्या कंजेनाइटल लीजन होते हैं ओके, देर आर टू डिसीज फर्स्ट वन इज रेट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेजिया जिसको हम रेटिनोपैथी ऑफ़ प्री मेच्योरिटी भी बोलते हैं और सेकेंड डिसीज हम पढ़ेंगे रेटेनाइटिस पिगमेंटोसा सो लेट गेट स्टार्ट बहुत ईजी है जस्ट योर माइंड एंड लेट स्टार्ट द स्टडी सो द फर्स्ट वन रेट्रोलेंटल हाइप फाइब्रोप्लेजिया का क्या मतलब है ठीक है सबसे पहली बात आती है दिस इज अ डेवलपमेंटल डिसऑर्डर अक्रिंग इन अ प्री मेच्योर इन्फेंट्स जो भी प्री मेच्योर बच्चे होते हैं प्री मेच्योर का मतलब क्या है मतलब कि जिनके टर्म पूरे हो होने से पहले मतलब कि फोर्टी वीक्स होने से पहले अगर डिलीवरी हो जाती है या हम नॉर्मल भाषा में बोल रहे हैं कि सात या आठ महीने के अंदर अगर डिलीवरी हो जाती है तो ऐसे इन्फेंट्स को बोलते हैं प्री मेच्योर इन्फेंट सो so, उन प्री मेच्योर इन्फेंट्स में ये वाली डिसीज डेवलप हो जाती है और प्री मेच्योर इन्फेंट हुक्सीजन थेरेपी एट बर्थ जब वो पैदा होते हैं उस टाइम पर अगर उनको ऑक्सीजन थेरेपी दी जाती है तो ऐसे बच्चों में बहुत देखा जाता है द बेसिक डिफेक्ट लाइज इन द डेवलपमेंट प्री मेच्योरिटी ऑफ द रेटिनल ब्लड वेसल्स जो बेसिक डिफेक्ट है वो कहां होता है बेसिक डिफेक्ट होता है कि जो रेटिनल ब्लड वेसल्स होती है उनका प्री मेच्योर डेवलपमेंट विच आर एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू द हाई डोज ऑफ द ऑक्सीजन थेरेपी और वो जो रेटिनल ब्लड वेसल्स होती है ना वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है ऑक्सीजन थेरेपी से मतलब सोचो एक तो बच्चा जल्दी पैदा हुआ ठीक है प्रीमेच्योर पैदा हुआ है तो उसकी जो रेटिनल ब्लड वेसल्स होती है वो प्रॉपरली नहीं बनी होती है वो भी प्रीमेच्योर होती है ऊपर से उनको क्या दे दिया गया ऑक्सीजन थेरेपी दे दी गई जिसके लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव थी तब क्या होगा द पेरीफेरल रेटिना इज इनकम्प्लीटली वेस्कुलाइज्ड तो जो पेरीफेरी में रेटिना का जो पेरीफ्री है वो इनकम्प्लीटली वैसलाइज होता है मतलब कि इनकम्प्लीटली उसको वहां की ब्लड बन, वेसल्स बन पाती हैं ऐसे इन्फेंट्स में एंड एक्सपोजर टू ऑक्सीजन रिजल्ट इन वैसो ऑब्लिट्रेशन ऊपर से क्या हो गया हमने ऑक्सीजन थेरेपी दे दी बच्चे को तो उसकी वजह से वैसो वैसो मतलब क्या होता है ब्लड वेसल्स ऑब्लिट्रेशन हो जाता है मतलब कि वो डिस्ट्रॉय हो जाती है एंड ऑन स्टॉपेज ऑफ ऑक्सीजन थेरेपी और जब ऑक्सीजन थेरेपी को रोक दिया जाता है सो so, वैसो ेशन बिगेन्स वेसो प्रोफ्रेशन का मतलब क्या है कि फिर से ब्लड वेसल्स का बनना स्टार्ट हो जाता है लीडिंग टू न्यू वेस्कुलाइजेशन न्यू वेस्कुलाइजेशन का मतलब क्या होता है न्यो मतलब की न्यू और वेस्कुलाइजेशन का मतलब की नई वेस्ल्स का बनना स्टार्ट हो जाता है सिस्टाइजेशन का मतलब होता है हीलिंग होना एंड रेटिनल डिटेचमेंट हो जाता है ठीक है सो दिस इज द फर्स्ट डिसीज को हम कहेंगे रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमिच्योरिटी

मतलब ऐसे हम करेक्टराइज कर सकते हैं द कंडीशन कैन हैव वेरियस इनहेरिटेंस पैटर्न इसके जो है वेरियस इनहेरिटेंस पैटर्न हो सकते हैं जैसे कि ऑटोसोमल डोमिनेंट भी हो सकती है ये ऑटोसोमल रेसिव भी हो सकती है सेक्सलिंग रेसिव भी हो सकती है द अर्लीस्ट क्लिनिकल फाइंडिंग इज दी नाइट ब्लाइंडनेस तो जब पेशेंट आएगा तो वो किस क्या बात को लेकर आएगा कि भाई नाइट ब्लाइंडनेस है और नाइट ब्लाइंडनेस क्यों हुई है ड्यू टू लॉस ऑफ रॉड्स तो आपने पढ़ा होगा जब आप ट्वेल्थ में एनसीआरटी वगैरह में आपने पढ़ा होगा या फिर आपने जब फर्स्ट ईयर में हो गया तब तो आपने पढ़ा होगा जब आई की फिजियोलॉजी तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि रॉड और कोन दो चीजें होती है ना तो रॉड जो कि आपको रात में मेनली हेल्प करती है लाइट देखने के लिए ठीक है सो नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है मतलब कि रात में नहीं दिखता है किस वजह से क्योंकि रॉड्स जो हैं उनकी कमी हो जाती है एंड मे प्रोग्रेस टू द टोटल ब्लाइंडनेस और अगर सही से ट्रीटमेंट नहीं होता है नहीं करवाया जाता तो क्या हो सकता है हो सकता है बच्चा वो पूरा का पूरा ब्लाइंड भी हो जाए फर्दर आगे जाके तो ये दो कंजनाइटल लीजन थे गाइज अगर आपको मेरा ऐसे वीडियो पसंद आ रहा है मतलब लाइक अभी मेरा ट्राईपॉड थोड़ा टूट गया है तो मैं हाथ से पकड़ के फोन बना रही हूँ वीडियो तो थोड़ा सा आपको ऐसे हिलता हुआ फोटो फोन दिख रहा होगा यू, यू यू होता हुआ बट गाइड स्टिल आई ट्राई कि मैं कुछ चीज़ मैनेज कर सकूं और आप लोगों की वीडियो बना सकूं एंड द फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोग मुझे ये बताओ कि आपको मेरा वीडियोस ऐसे पसंद आ रहे हैं लाइक जैसे मैं अभी हाथ से फ़ोन से और बुक से पढ़ा रही हूँ या फिर आप चाहते हो कि जैसे मैं पहले लैपटॉप से पढ़ाती थी वैसे ही पढ़ाऊं तो प्लीज टेल मी दी कमेंट सेक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि अगर मुझे ये पता नहीं चलेगा कि आप लोग किस तरीके से पढ़ना चाहते हो तो हाउ विल आई मेक वीडियोस फॉर यू ऑल सो तो प्लीज़ टेल मी द कमेंट सेक्शन कि आप ऐसे बुक से पढ़ना चाहते हो ये बुक है हर्ष मोहन पैथोलॉजी आई थिंक मोस्टली स्टूडेंट्स ये बुक पढ़ते हैं सो so ये उस बुक से मैं आपको पढ़ा रही हूं बट अगर आप चाहते हो कि मैं पी डी से पढ़ाऊं तो प्लीज टेल मी द कॉमेंट सेक्शन टिल दन गाइज बाय बाय टेक केयर एंड लव यू ऑल